इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर मुझे वीक कैंडल मिलता है तो मैं वीक कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। तो वेट करते हैं वीक कैंडल का, और वीक कैंडल पे मुझे चाहिए स्पीड से रिजेक्शन। अगर मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दूँगा। तो वेट करते हैं वीक कैंडल, और वीक कैंडल पर भी मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ से चाहिए मुझे वीक कैंडल, ये वीक कैंडल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर स्पीड से रिजेक्शन देता है तो मैं कॉल के लिए ये जो मैंने प्लेस कर दिया है, लेकिन थोड़ा ऊपर चल गया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडल जो है यहाँ पे क्या है, वीक कैंडल, जिसका जो कैंडल साइज जो छोटा है और वीक बड़ा है उसको बोलते हैं वीक कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा था वो नीचे तक आया, ठीक है, नीचे से आने के बाद वो स्पीड से ऊपर गया है, और जो मेरा जो ट्रेड करने का जो एंट्री था वो थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से स्पीड के कारण वो ऊपर ले गया, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कैंडल है ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इसने इधर से रिजेक्ट किया है, तो ये जो ट्रेंड कैंडल है ऊपर ही जाएगा। वेट करते हैं, और ये जो कैंडल है रिजल्ट जो कुछ ही देर में आने वाला है। तो इस तरह का जब आपको मिलता है कैंडल वीक कैंडल में, तो आप जो है ट्रेड जो है इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो रिजल्ट जो आपके सामने आ चुका है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ GBP USD का चार्ट और एक, और यहाँ से मैं अगर मिलता है सिग्नल वीक कैंडल पे तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं चाहिए, वीक कैंडल चाहिए। अगर आपको 100% जीतना है तो आप वीक कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, 100% काम करता है, ठीक है। तो आपको वीक कैंडल पे ही ट्राई करना है। अगर आप लॉस करते हैं अमाउंट तो आप वीक कैंडल पर ही ट्राई करें। तो मुझे चाहिए वीक कैंडल, और वीक कैंडल पर ही मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। अगर ये वीक कैंडल बनता है और मुझे नेक्स्ट कैंडल जो है नीचे से ऊपर रिजेक्शन देता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दूँगा। वेट करते हैं, वीक कैंडल देता है तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज मैं प्लेस नहीं करने वाला हूँ। तो मुझे चाहिए वीक कैंडल, और वीक कैंडल में चाहिए स्पीड से रिजेक्शन, तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे वीक कैंडल तो बना नहीं है, जब तक वीक कैंडल नहीं बनता है आप ट्रेड प्लेस ना करें। अगर ये ऊपर से रिजेक्शन देता है स्पीड से तो मैं पुट के लिए ट्रेड प्लेस कर दूँगा। वेट करते हैं, और ये दे दिया, और मैंने ये जो ट्रेड प्लेस किया है वो किया है पुट डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस तरह का आपको अगर आपको कैंडल मिलता है, ठीक है, वीक कैंडल ऊपर जो है वीक निकला हुआ है, ठीक है, वहाँ तक गया, ठीक है, और स्पीड से नीचे रिजेक्शन दिया है, इसीलिए मैंने ये जो ट्रेड है प्लेस किया है आप पुट डायरेक्शन में, और ये जो कैंडल है नीचे ही क्लोज होने वाला है। वेट करते हैं कैंडल के क्लोज होने का, और रिजल्ट जो है कुछ ही देर में आपके सामने जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं वीक कैंडल पर, ठीक है। और ये जो चार्ट है EUR USD का है, तो मैं EUR USD का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और मुझे चाहिए यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन बस। अगर मिलता है ऊपर से रिजेक्शन, ये मिला रिजेक्शन, और मैंने ये जो ट्रेड प्लेस किया है वो पुट के लिए प्लेस किया है, क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल जब देखेंगे तो ये कैंडल है वीक कैंडल, ठीक है, वीक कैंडल के बाद ये जो है कैंडल बन रहा था ऊपर, ऊपर जाने के बाद स्पीड से रिजेक्शन दिया, इसीलिए मैंने पुट के लिए ट्रेड प्लेस किया है। अगर इस तरह का अगर आपको कैंडल मिलता है तो आप जो है इजीली यहाँ पे विन कर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस किया है वो पुट के लिए प्लेस किया है। इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड जो है क्लोज कर दूंगा, ये लास्ट ट्रेड होने वाला है। तो इस तरह से आप ट्रेड यहाँ से विन कर सकते हैं। अगर वीक कैंडल पर अगर आपको चाहिए रेशियो, विनिंग रेशियो, तो आप यूज कर सकते हैं वीक कैंडल पर, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू हार रहे हैं विन आई के ऑप्शन में तो आप ट्राई कर सकते हैं। और रिजल्ट जो आपके सामने आ चुका है, मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया था और तीनों ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे विन कर लिया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए।